हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है, गर्मियां बहुत ही ज़्यादा पड़ रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और डिहाइड्रेशन से बचिए। कोशिश कीजिए कि गर्मियों में आप कम बाहर निकलें, ठंडा ठंडा खाना खाइए, इससे आपकी गर्मियां बहुत ईजिली कट जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ कपकेक। कपकेक की रेसिपी बहुत ही ईजी बन जाती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। कस्टर्ड कपकेक यहाँ हम बनाने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। इसमें टूटी फ्रूटी भी ऐड करने वाले हैं, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आप इसे टी टाइम में या स्नैक्स के तौर पर खा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है आधा कप ऑयल लिया है, ये नॉन फ्लेवर ऑयल है, आप रिफाइंड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक कप जो है शुगर लूँगी। आधा कप आपको ऑयल लेना है, एक कप आपको शुगर लेना है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसका क्रीमी टेक्सचर तैयार करना है। उससे क्या होगा ना, जो आपका क्रीमी टेक्सचर है ना, पूरा का पूरा जो आपका केक है वो इस बेस पर डिपेंड करता है कि आपका ये बेस कैसा बना है। जब आपका बेस अच्छा होगा ना, तो आपका जो केक है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। घर की पीसी हुई शुगर है, चीनी को मिक्सी में डालिए, आप पीस लीजिए। बहुत टेस्टी जो है आपका कपकेक घर में तैयार हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ आधा कप जो है दूध का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो यहाँ दही का इस्तेमाल भी कर सकते हो, अलग अलग फ्लेवर में बना सकते हो। दही का भी टेस्टी लगता है, दूध का भी टेस्टी लगता है। तो मैंने यहाँ पे दूध का बनाया है। दूध से क्या है ना, आपके जो कपकेक्स हैं ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, तो उसको ट्राई ज़रूर करिए। तो अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसका भी सेम क्रीमी टेक्स्चर तैयार करना है। जितना आपका ये क्रीमी टेक्स्चर अच्छा बनेगा ना, उतना ज़्यादा आप कपकेक्स हैं वो अच्छे बनेंगे। तब मैं यहाँ पर ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को डालने के लिए छन्नी रख लूँगी। यहाँ पर मैंने एक कप मैदा लिया है। आप अगर इसी मेजरमेंट से बना रहे तो आपको भी एक कप मैदा लेना है। यहाँ पे मैंने 1/4 कप जो है कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया है। एक चम्मच हम बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे और जो छोटा चम्मच होता है आधा वाला, उसको हम बेकिंग सोडा में यूज़ करेंगे। अब हम इसे छान लेंगे अच्छे से। हमें हमारे जितने भी ड्राई इन्ग्रीडियंट्स हैं ना, सबको एक साथ मिक्स करके छानना है। उससे क्या होगा ना, इसमें जितने भी रेशे हैं ना वो ऊपर रह जाएंगे। यानी कि अगर कुछ होता भी है आपकी छानी में, आप देख सकते हो इस तरीके से जो दरदरे दाने आ जाते हैं वो आपकी कपकेक ख़राब कर सकते हैं। इसे छन्नी से ज़रूर छानें। अब हमने जो क्रीमी टेक्सचर तैयार किया था उसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यानी कि जो हमने क्रीमी टेक्सचर तैयार किया था उसमें हम हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये जो आपका बैटर है ना, वो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बनना चाहिए। उससे क्या होगा ना, जो आपका केक है बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। तो हम इसके बैटर को अच्छे से मिक्स करते हुए चलाएँगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, रिबन कंसिस्टेंसी आई है। ये जो आप ऐसे डालोगे ना, तो बिल्कुल जिगजैग करके गिरेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा आपका बैटर बनके तैयार होगा। तो टूटी फ्रूटी के लिए मैंने दो तरीके की टूटी फ्रूटी यूज़ की हैं। एक ग्रीन कलर की हैं, एक जो है रेड कलर की हैं। आप चाहो तो अपनी पसंद से कोई भी टूटी फ्रूटी यहाँ पर ले सकते हो। तो मैंने यहाँ दो चम्मच टूटी फ्रूटी में आधा चम्मच जो है मैदा डाला है। अब इसे हम अच्छे से कोट कर लेंगे। उससे क्या होगा ना, ये आपकी कपकेक्स में डूबेगी नहीं, ऊपर ऊपर रहेगी, मतलब अच्छे से पूरी बेस में फैल जाएगी, डूबेगी तो बिल्कुल भी नहीं। तो अब हमने जो केक का बेस तैयार किया था, हम उसमें टूटी फ्रूटी को ऐड कर देंगे। हमें मैदे के साथ ही टूटी फ्रूटी को ऐड करना है। जो मैंने हमने जिस तरीके से मैदे को मैं कोट करके रखा था टूटी फ्रूटी को, उसी तरीके से आप उसमें ऐड कर दीजिए। उसे ना अब आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए। उससे आपकी टूटी फ्रूटी बिल्कुल भी नहीं डूबेगी, बहुत अच्छी तरीके से पूरे में सेट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपकी टूटी फ्रूटी कहीं बैठ जाएगी, कहीं उठ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत अच्छे से पूरे में फैलेगी, बहुत अच्छा टेस्ट उससे आता है। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें सेट करना है किसी बर्तन में। तो अब मैंने यहाँ पर जो है छोटी छोटी कटोरियाँ का यूज़ किया है। अगर आपके पास कपकेक के मोल्ड हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी घर की कटोरी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया है, सारे जो बर्तन थे मैंने उसमें ग्रीस कर लिया है, छोटे छोटे पेपर्स को कटिंग करके इसमें यूज़ किया है। अगर आप चाहो तो आपके पास अगर इको बेक पेपर है तो उसको यूज़ कर सकते हो, नहीं है तो आप नॉर्मल पेपर को भी आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा बैटर हम इसमें डालेंगे, हमें थोड़ा थोड़ा बैटर डालना है। आधे से थोड़ा सा कम रखिए, आधे से ज़्यादा आपको नहीं करना है, आधे से कम ही रखिए। उससे क्या होगा, जब वो फूलेगा ना तो आपका थोड़ा सा ऊपर कम रह जाएगा, बाकी आपका जो पूरा कटोरी है वो अच्छे से भर जाएगी। तो मैं यहाँ ऊपर से गार्निशिंग करने के लिए इसमें जो है टूटी फ्रूटी का यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हो हमारी जो टूटी फ्रूटी है प्रॉपरली सेट हो चुकी है, बहुत अच्छे से अपने आप सेट हुई है। अब हमने कढ़ाई को प्री हीट करने के लिए रख दिया है। तो जितने भी हमने हमारे जो कपकेक्स बनाए थे, यानी कि जो हमने कटोरी में कपकेक्स ऐड किए थे, वो हम इसमें रख देंगे। तो जब आप अपने बर्तन में कपकेक ट्रांसफ़र केक को जो है ट्रांसफ़र करोगे ना, उससे पहले आप अपनी कढ़ाई को प्री हीट के लिए रख दीजिए। तो यहाँ एटलीस्ट 40 मिनट्स हो गए हैं, 40 मिनट का टाइम लगता है इनको बेक होने में। तो 40 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं। अब हम टूथपिक डाल के जो है चेक करेंगे कि कहीं से ये गीला तो नहीं है या कच्चा तो नहीं है। तो आपको क्या करना है, सेंटर में डाल के देखना है।
जब आप इसे सेंटर में डाल के देखोगे ना, अगर आपकी टूथपिक एकदम क्लीन निकल के आ रही है, मतलब ये बिल्कुल ही परफेक्टली बन चुके हैं। तो अब हम इसे डिमोल्ड कर लेंगे। तो मैं इसे बाहर निकालूंगी, अभी गर्म है, कपड़े से निकालिए, बहुत जल्दी अच्छे से निकल आएगा। तो यहाँ पर मैंने कपकेक्स को निकाल करके आधा घंटा बाहर रख दिया था, उससे क्या होगा ना, ये इजीली डिमोल्ड हो जाएगा। किसी भी स्पैचुला से आप जो इस तरीके से इसके किनारों को ना हटा लीजिए, यानी कि आप इजीली निकल आएगा, बहुत इजीली निकल आएगा। तो आप देख सकते हो, मैं इसका पेपर हटा के आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से ये जो है बेक हुआ है, कहीं से भी जला नहीं है, कहीं से भी क्रैक नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि फूल गया हो और फिर बाद में बैठ गया हो, वो चारों तरफ से बहुत अच्छा बेक हुआ है। इसकी जो आप स्पंजीनेस देख सकते हो, इसकी जो जाली बन के आई है केक में, आप वो भी देख सकते हो कितने अच्छे से जो आपका कपकेक है वो बन करके रेडी हुआ है। तो मैं आपको स्पंज करके दिखाती हूँ, आप देख सकते हो कितने अच्छे से स्पंज हो रहा है, यानी कि जो आपका कपकेक है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। आप बिना टूटी फ्रूटी के भी बना सकते हो, आप कस्टर्ड के बिना भी इसे बना सकते हो, आप किसी भी फ्लेवर में इसको बना सकते हो। आपके बच्चों को ये कपकेक्स बहुत पसंद आने वाले हैं, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं अब इसे प्लेट में निकाल लूँगी सर्विंग के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, उससे हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अब आप देख सकते हैं हमारा जो कपकेक है कितना ज़्यादा अच्छा और टेस्टी बनकर के रेडी हुआ है। बनाइए, खाइए, इन्जॉय कीजिए और मुझे कमेंट करते रहिए, बताते रहिए आपको वीडियोस कैसी लगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।